लोगों के बीच कंफ्यूजन है, बट अल्टरनेट कुछ भी नहीं है, योगी जी ही आ रहे हैं। सरकार अभी फिलहाल चल रही है, वो सरकार बननी चाहिए, योगी सरकार जो बीजेपी सरकार है बहुत अच्छी है, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के पद पर आप किसे देखना चाहिए? योगी मुख्यमंत्री के रूप में जो क्या कर सकता है, समाज के लिए कार्य कर सकता है, जिन्होंने किया हुआ है, तो हम तो अखिलेश यादव को पसंद करेंगे। इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी बार आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं उत्तरी विधानसभा के शिवपुर क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि हर एक पार्टियाँ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। अब यहाँ पे जमीनी स्तर पर उतर कर देखेंगे कि इस बार सरकार किस पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सिंह साहब, ने बताइए कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? अब सरकार कितनी किसकी बनेगी ये तो रिजल्ट आने पे ही मालूम होना पड़ेगा। आप जाएंगे, आप देखेंगे कि सरकार बेहतर है, विकास कर रही है, हर तरह से हर मुद्दे पर खरा उतर रही है, उसके हिसाब से आपको देखते हुए लग रहा है कि ये सरकार बेहतर है, तो कौन सी सरकार आपके हिसाब से बननी चाहिए? उस हिसाब से तो ये सरकार बननी चाहिए, जो सरकार अभी फिलहाल चल रही है वो सरकार बननी चाहिए, योगी सरकार। अभी अखिलेश सरकार ने आरोप लगाया है कि रोजगार के क्षेत्र में और किसानों के हित में अभी तक एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो कि सरकार बेहतर तरीके से उतर सके खड़ा। भाई ये तो जितनी पार्टियां हैं सब अपने तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करती हैं। अच्छा, तो अगर वो कर रही हैं इस तरह मैनिपुलेट, तो ये उनके कहने की बात है, आम जनता क्या सोचती है हमारा ख्याल है इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अच्छा सर, आप जैसे प्रोफेसर हैं, शिक्षा विभाग से आप जुड़े हुए हैं, तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके शिक्षा विभाग पे जो काम हुए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा विभाग पे कुछ जो नीचे के काम हुए हैं वो तो ठीक हुए हैं, लेकिन ऊपर विश्वविद्यालय स्तर पे या डिग्री कॉलेज स्तर पे जो शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जब सरकार बनी थी, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो पिछली सरकार है महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, आज जो है कि हर चीज़ें की रेट दुगना स्तर पर बढ़ गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है। और तो सही है कि गलत है? ये महंगाई बढ़ना सही कहाँ से होगा? गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हृदय नारायण सिंह। हृदय नारायण सिंह, आपका बहुत स्वागत है। ये बताइए कि इस बार चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप वोट देने जाएंगे तो कुछ तो देखेंगे कि इस सरकार ने बेहतर किया या ये सरकार बेहतर करेगी, मैं इस सरकार को चुनूंगा। ये तो मैं सभी बेहतर करते हैं जो आते हैं, जो बच्चा जन्मता है बड़ा बड़ा होते हुए प्रोग्रेस करता है, तो इसका रिजल्ट जो है बाद में निकलता है कि वो नालायक है कि अच्छा है। तो नालायक अच्छा है, तो आपने सभी सरकारों को झेल चुका है। हाँ, सपा को भी झेला है, बसपा को भी झेला है, अब भाजपा तो चल ही रहा है। हाँ, तो आप बताइए इन तीनों में से कौन सा बेहतर है? मैं कैसे बता दूं कि कौन सा बेहतर है? क्या नाम आपके साथ? दुबे जी, ये बताइए कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के पद पर आप किसे देखना चाहिए? योगी जी को। योगी जी के कार्य सब कितना खुश है? 100% बाबतपुर से लेकर और कचहरी तक जो रोड बनी है, ये कब कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि बन सके, इतने बड़े बड़े फ्लाई ओवर बने हैं। तो अगर आपको विकास करना है तो थोड़ा महंगाई की मार को झेलनी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सब हमने करके गया है, बस इसका लोकार्पण और फीता काटने आ रहे हैं भाजपा वाले। योजनाएं पहले भी आती थी, बनती थी, योजनाएं होता था, बाद में लोग कहते थे कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, अब पैसा कहाँ से आ रहा है? ये बताइए कि इस आपको लगता है इस सरकार में सब सुरक्षित है? सब सुरक्षित, लेकिन इस सरकार में जनता को छोड़िए सर, चौथे स्तंभ मीडिया पर भी भाजपा वाले हावी हो जा रहे हैं, अजय मिश्रा कालर पकड़ रहे हैं, मोबाइल छीन ले रहे हैं। वो गलत है, भाजपा को उनको तुरंत पार्टी से निकाल दे, अजय मिश्रा ने सही काम किया। लेकिन अभी तक तो पार्टी किसी तरह का डिसीजन नहीं लिया। लेकिन अब समय लगेगा, थोड़ा बैठक होगी, मैं देखूंगा। सर, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने वाले योगी आदित्यनाथ गलत करने पर बुलडोजर चला दे रहे हैं, क्या उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे? अब उनके लिए ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं लेंगे? वो केंद्र में मंत्री है, उनका कुछ प्रभावशाली इलाका है।
मतलब अगर आपका आपका दबदबा है तो आप गलत कर सकते हैं? नहीं गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, थोड़ा समय लगेगा, इंतजार करते हैं कार्रवाई हो। क्या नाम आपका? नीतीश सिंह। नीतीश सिंह, क्या करते हैं आप? हम एशियन पेंट में ईस्टर्न यूपी के एरिया इंचार्ज हैं। एशियन पेंट में एरिया इंचार्ज, बताइए कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से सारा कार्यकाल रहा है बहुत ही प्रभावशाली रहा है और हम लोग बिल्कुल सुनिश्चित है कि सरकार योगी जी की बनी और हम लोग बिल्कुल पक्ष में भी। सोनू सूद को आप जानते हैं? जी हाँ। कैसे हैं सोनू सूद? सब लोग जानते हैं, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के, बहुत सारा काम किया है उन्होंने। लेकिन भाजपा उन पर रेट पड़वा दी, क्योंकि जब उन्होंने केजरीवाल से मिला तो उन पर भाजपा वाले ने रेट पड़वा दी। देखिए आईटी डिपार्टमेंट में रेट डाल देता है, लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव भी आरोप लगाए कि रेट पर सोनू सूद के यहाँ रेट डाला गया है भाजपा के नेतृत्व में। आरोप का देखिए, आरोप का कोई वो नहीं है, आरोप कहीं से भी कुछ भी आता है, लेकिन इसकी पुष्टि तो खुद सोनू सूद से भी पूछेंगे तो इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि ये भाजपा की वजह से हुआ है। कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड मिलता है, ठीक, जो कहती है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, पद्मश्री अवार्ड पाने के बाद तुरंत उन्होंने व्यक्ति का बयान दिया है, और सोनू सूद जिसने जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों का भला किया उसके आरोप पड़ जाता है, क्या वो पद्मश्री अवार्ड के हकदार नहीं थे? देखिए पद्मश्री अवार्ड का जो निर्धारण होता है, सबसे पहली बात तो हम और आपको इसके बारे में नहीं डिसाइड करना चाहिए किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी की? स्टेट में सेंटर में दोनों। स्टेट में सेंटर में दोनों। ये बताइए कि इस बार जो बीजेपी चुनाव लड़ेगी किस मुद्दे पर लड़ेगी? जो उन्होंने काम किया है, विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये सांप्रदायिक मुद्दा हो। योगी सरकार में जो है कि सपा सरकार कह रही है कि योगी सरकार में युवा भी परेशान है, रोजगार नहीं है, किसान भी परेशान है, हर तरह से लोग परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है, युवा भी परेशान नहीं है, किसान भी नहीं परेशान है, हर चीज़ पे सब्सिडी ज़्यादा दी जा रही है, चाहे गेहूँ का मूल्य हो चाहे धान का मूल्य हो, सब पे सरकार पैसा बढ़ा के दे रही है और तो सरकार क्यों बनेगी? कृषि कानून जब बिल सही था तो उसे वापस क्यों लिया गया चुनाव के समय में? उसके पहले भी तो लिया जा सकता था, 700 लोगों की मृत्यु हो गई उसके दौरान। एक बड़ा संघर्ष है, कोई सरकार इतना झेल नहीं सकती है। तीन स्टेट के किसान विरोध कर रहे थे, कृषि कानून तो फायदेमंद, अगर मेरी खेती रिलायंस अडानी अंबानी करोगे तो मुझे क्या दिक्कत है? MSP भी लागू करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, MSP क्या गलत है कि सही? MSP सही है, लागू करना चाहिए। तो क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर रनुज कुमार सिंह। डॉक्टर रनुज कुमार सिंह, तो भाजपा सरकार में हर चीज़ सब ठीक है? सब ठीक है, माफिया राज मिल रहा है, सब कुछ खत्म है, बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं, लक्ष्मीपति मित्तल ने भी कल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया। सर आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गया है, गुंडागर्दी खत्म हो गया, लखनऊ में रोजगार मांगने पर लोगों को पीटा जा रहा है, क्योंकि हिंसा है, पब्लिक है, जो मास होता है ये किसी का नहीं होता, उसमें कुछ भी हो सकता है। कृषि कानून को लेकर लखीमपुर वाली हिंसा हुई थी, ऐसा ही कुछ वहाँ के किसान, लखीमपुर खीरी में इस तरह का हिंसा हुई थी, 6 किसानों को कुचल कर मार दिया गया, का गोरखपुर में एक व्यवसायी को प्रशासन ने 6 पुलिसकर्मी ने पीट पीट कर मार डाला, उसके बाद हाथरस में बेटी को जिंदा जला दिया गया, क्या इस तरह प्रशासन सही है? ये प्रशासन है, विकास में समय लगेगा धीरे धीरे। सर किस तरह का विकास करेंगे आप अगर इस तरह से चारों तरफ से प्रशासन ही हावी हो जा रहा है तो विकास कैसे होगा? अगर 1000 लोगों में एक लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, 999 तो सुरक्षित है, जो सचिव सड़क पे चलेगा जरूर गिरेगा। पेपर लीक हो जा रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? पेपर लीक होना तो ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों बच्चों का भविष्य है, कोई तैयारी करके 6 साल से बैठा है उसके बाद पेपर लीक परीक्षा रद्द, ये तो गलत है, सरासर गलत है। हाँ सर नमस्कार, क्या नाम है? चेत सिंह। चेत सिंह, ये बताइए कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव आ चुका है, आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में जो त्याग कर सकता है, समाज के लिए कार्य कर सकता है, जिन्होंने किया हुआ है, तो हम तो अखिलेश यादव को पसंद करेंगे, क्योंकि वो युवा हैं और उनके में वो जुनून है, वो क्षमता है, जो एक बार मौका मिला और बहुत अच्छे से देश अपने राज्य को चलाया और सभी लोगों को संतुष्ट किया, जो रोज़गार दे सकते थे, जो शिक्षा मित्रों का सहयोग कर सकते थे, जो हमारे शहर को जितना दे सकते थे रोड से लेकर के, और जो कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां चलाई, उन्हीं की देन है कि आज 5 मिनट में एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच जा रही है,
101 जो है वो पहुंच जा रही है मदद के लिए, तो उनकी देन है। और आज की जो गवर्नमेंट रही है कहीं से हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि न तो केवल वो मंदिर के लिए काम किए और न तो मंदिर से शिक्षा मिलने वाली है, न तो स्वास्थ्य मिलने वाला है और न तो रोजगार मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में सरकार के लिए हमने बेहतर काम किया है, 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल जुमला सरकार है वो झूठे वादे करते आए हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं है, और कुछ किसी से छिपा नहीं है ये चीज़ कि वो लोगों का रोज़गार और छीने हैं, जो लोग रोजगार में थे उनसे छीन करके रास्ते पर ले आ दिए। प्रधानमंत्री का पद कितना सम्मानित पद होता है, आप इसके बारे में कुछ 2 शब्द बोलेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जैसे हमारे देश के जो भी हुए तो उन्होंने देश की संपत्तियों को बनाया है, हमेशा बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं बात। लेकिन हम कहना यही चाहेंगे कि देखिए मंदिर से लोग भिखारी बनते हैं और स्कूल बनाने से लोग शिक्षित होते हैं, ज्ञान मिलता है। उदय प्रताप सिंह, ये बताइए सर जी कि इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? योगी को, अखिलेश यादव जी हैं, वो बस रोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर घेर रहे हैं। नहीं, उनके पास कुछ नहीं, अकल नहीं है ना, सबूर है। जब लोग बिजली काम करने में अकल है ना, सबूर है, खाली अपना पेट भर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। हाँ तो सर, लेकिन जो पेपर हो जा रही हैं, सारे के सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, चोर पड़े हैं, क्या करेंगे आप? तो आपकी सरकार आई थी तो मैं बोला कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर दूंगा, तो क्यों कंट्रोल हो रहा है? लेकिन कंट्रोल तो हो ही रहा है, सब चोर पकड़े गए, सब चोर पकड़े गए, जो चोरी करेगा बदमाशी करेगा पकड़े जाएगा, वो अंदर जाएगा। कह रहा है कि हमारी सरकार तुरंत एक्शन लेती है, बुलडोजर चलवा देती है जो गलत होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सामने है। सर अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, सांसद हैं लखीमपुर खीरी से, उनको गलत फंसाया गया है, दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ कार चलवाएंगे, दिल्ली में बैठ के लखीमपुर, उनका आरोप लग चुका है और तय हो चुका है। वो आरोप SIT का है, गलत है, SIT इन्हीं का बैठाया हुआ सरकार की, गलत है, रिपोर्ट गलत देगी, गलत है रिपोर्ट का। हम भी लोग बार और टीप देखते हैं क्या होता, कोई कम विरोधियों के लिए कुछ चाहिए मसाला, एठ मसाला मिल गया है, उड़ा रहे हैं गुड्डी आंटी मतलब कुछ है नहीं। देखिए मैं तो घरेलू महिला हैं, थोड़ा बहुत पेपर देख लेती हूँ, लेकिन हम लोग आपस में यही बात करती हूँ कि जो BJP सरकार है बहुत अच्छी है, BJP की सरकार बहुत अच्छी है। ये बताइए मैडम जी कि उम्र जो है 18 से 21 साल कर दिया गया है, ये सही क्या सरकार का फैसला है? सही है 18 से 21 साल सरकार करने वाली है शादी के लिए, ये उम्र तो बहुत अच्छी चुनी गई है, 18 से 21। हाँ, सही है, 18 साल में कौन सी शिक्षा उनकी पूरी हो जाएगी कि जो कि वो शादी योग्य हो जाएंगे बच्चे? जब शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो गरीब के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, गरीब की आर्थिक स्थिति खराब है, तो कैसे 21 साल तक इंतजार कर सकते हैं? देखिए गरीबों के लिए तो बहुत सुविधा दे रहे हैं, हर स्कूल में बच्चों का थोड़ा बहुत बिना फीस का नाम लिखवा रहे हैं। अच्छा, आप 18 साल से 21 साल का समर्थन कर रही हैं? देखिए 18 साल से 21 साल का समर्थन हम पूरा करेंगे कि क्योंकि 18 साल में उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, 21 साल में भी शिक्षा बहुत कम बच्चे पूरी कर पा रहे हैं, और उनकी शिक्षा आगे चल रही है, शादी वादी तो होती रहेगी, जब कमाएंगे तब तो खाएंगे। सर जी नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? रुपेश गुप्ता। रुपेश गुप्ता, गुप्ता जी ये बताइए कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव जी का समय नज़दीक आ चुका है, अब मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए अभी तक का जो साफ देखा जा रहा है, योगी नाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ी सी कुछ लोगों के बीच कन्फ्यूज़न है, बट अल्टरनेट कुछ भी नहीं है, योगी जी ही आ रहे हैं। सर अभी जो नया नियम लाया है सरकार ने कि अब लड़कियों का उम्र 18 से 21 कर दिया जा रहा है शादी वाला जी, तो सर आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए ये तो एक साइंटिफिकल चीज़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ रिसर्च के बाद आता है, तो इस पर बहुत गहन अध्ययन नहीं हो पाया है हमारा, लेकिन सरकार ने अगर ऐसी चीज़ें सोची है तो कुछ ना कुछ रीज़न जरूर है, क्योंकि मैं साइंस बेस्ड हूँ, इसलिए कोई भी चीज़ विदाउट रिसर्च नहीं लाया जाता। इस समय सर बयानबाजी बहुत जोरों शोरों चल रही है, अभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो गए, क्या इस तरह का सवाल जवाब
देना दे चुका बयान देना नहीं, सर, ये, देता नहीं है? बचना चाहिए। मेरा कहना क्या है कि गरिमापूर्ण पद पर हैं, उन्हें बचना चाहिए ऐसे चीज़ों से, क्योंकि वो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के, तो ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सर, उत्तरी विधानसभा के विधायक जी हैं रविंदर जायसवाल। जी जी, रविंदर जायसवाल आपके क्षेत्र में कोई बेहतर काम किए हैं? देखिए, अभी तो देख रहा हूँ, काम वगैरह तो हुआ है, बाकी थोड़ी संतुष्टि या असंतुष्टि तो होती है, सबकी अपनी अपनी। सर, आपने कहा अभी कि संतुष्टि होती रहती है, सर आप ही के क्षेत्र में अभी तक रोड नहीं बना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग संतुष्ट रहेंगे तो कुछ लोग असंतुष्ट रहेंगे ही, और उन्हें इस चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी सर, ये बताइए, हिंदू मुस्लिम बार बार जोड़कर देखा जा रहा है जी, तो इसका जो हिंदू मुस्लिम का विपक्ष कह रहा है कि बार बार हिंदू मुस्लिम मुद्दा लाकर सरकार चुनाव में, देखिए ये एक तरह से प्रोपगंडा है, ये चाहे विपक्ष कहे चाहे पक्ष कहे, एक तरह से प्रोपगंडा है, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ इससे सहानुभूति भी मिलता है, कुछ ना कुछ अदृष्ट का भी बात होता है। ठीक है, तो ऐसे पछड़े में हम जैसे सामान्य इंसान नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या क्या नाम है सर आपका? जैनेन्द्र मौर्य। जैनेन्द्र मौर्य जी, मौर्य जी इस बार बताइए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी की? यस। बीजेपी की सरकार का कोई दो उपलब्धि बता दीजिए जो अखिलेश सरकार से बेहतर हो। इनकी उपलब्धि पहली यह है कि कम से कम हिंदुत्व जागा है। हिंदुत्व जागा है? अच्छा, ये बताइए कि जब सरकार बीजेपी की बनी थी तो हिंदू तो जगाने के लिए बनी थी कि सबको मिलाकर और विकास करने के लिए बनी? चतुर्दिक विकास के लिए। तो आप तो कह रहे हैं कि अभी हिंदुत्व को जगाने के लिए? नहीं, चतुर्दिक विकास के लिए, ये मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं, बात यह है कि हिंदुत्व में ये आया कि इन्होंने दिखाया कि अब जो प्राचीन समय से अगर मुगल में देखा जाए तो वहाँ पर मंदिरों को बहुत तोड़ा गया था, लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया था, उन्होंने ये दिखाया कि नहीं एक समाज में सर्व समाज में एक सब ये भी समाज है। मतलब कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भाजपा वाले सर सपा वाले आरोप नहीं, जबकि रोजगार के क्षेत्र में बहुत हर मुद्दे पर घेरा जाता है बीजेपी सरकार को, रोजगार और शिक्षा को लेकर ज़्यादा घेरा जाता है महंगाई को लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, आगे स्थापना भी हो रहे हैं, शिक्षा जगत में ये जो पेपर लीक है कुछ तथाकथित कुछ जो पक्ष विपक्ष के हैं, जो विपक्ष है उस पर अपना निगाह लगाया हुआ है कि कैसे सरकार का इसको नीचा दिखाया जाए। सर देखिए, पूरे कंट्रोल आपके हाथ में उत्तर प्रदेश का पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कह रहे थे कि एक महीना के अंदर करा देंगे, लेकिन अभी जो सचिव चेंज हुए हैं संजय उपाध्याय को हटाकर नए वाले आए हैं वो करे संभव तो नहीं है, आप कैसे कराएंगे? कुछ अधिकारियों की इसमें मिली भगत होती है, जो अधिकारी कुछ विचारों सब में ये इतने भीतर रहते हैं। महावीर प्रसाद श्रीवास्तव। महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विशेष अपराध सूचना ब्यूरो के मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष सह उपाध्यक्ष हूँ और कॉलोनी का दुर्गा विहार विकास समिति का सचिव हूँ। दुर्गा विहार कॉलोनी के सचिव हूँ। आप बताइए सर जी, इस बार सरकार किसकी बनेगी? अभी देखिए, इसमें कई वर्गों में आप देखेंगे अलग अलग, तो जनता का भी मत लीजिएगा और कर्मचारियों का भी मत लीजिएगा, तो कर्मचारी वर्ग तो खासा नाराज है। कर्मचारी वर्ग को इन्होंने कोरोना काल में जो है एक दिन का वेतन भी लिया, उसके बाद डेढ़ साल की महंगाई को इन्होंने अभी तक दिया नहीं का एरिया, जबकि इन्होंने कहा था कि हम देंगे और उसको नहीं दिया, और तमाम मांगे कर्मचारी संघों की इन्होंने समिति बना के उसको लंबित रखा हुआ है विशेष सचिव के माध्यम से, और तब तक अभी आपके आके जो है वो लग जाएगा अधिसूचना और ये खाली उसको ठंडे बस्ते में डाले रहेंगे। तो कर्मचारी वर्ग आंदोलित है, अब इसमें क्या रिजल्ट होगा आप खुद ही समझ सकते हैं कि आंदोलन के और धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है लखनऊ में, रोज किसी न किसी संगठन का धरना हो रहा है, पत्रक दिया जा रहा है लगातार। हाँ, सरकार जो है इस पर गंभीर नहीं है। कौन सी पार्टी का सरकार बनाएंगे? अब जनता तय करेगी ना, जनता का बहुमत तय करेगा कि जहाँ से जनता को न्याय मिलने की उम्मीद होगी जनता तथा पलट करती है, पहले भी करती रही है आगे भी करेगी। आपके जनता कार्य देखती है, जनता चेहरा नहीं देखती है। आप अगर कार्य करेंगे सुधार होगा, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, कम नहीं हुआ, ये केवल कहने को दर्शाया जा रहा है, आंकड़ेबाजी की जा रही है। आप मैं खुद ही अपराध मुक्त भारत और विशेष सूचना ब्यूरो से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारी दिल्ली में हेड ऑफिस है और उत्तर प्रदेश के सारे जिलों का अपराध का ग्राफ देखिए आप,
कौन सा अपराध बलात्कार कम हुआ है कि जो है एक तो वो कम हुआ है, कौन सा माने कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, कहाँ पे कम हो रहा है। हमारी संस्था भी पूरा प्रयास कर रही है हर क्षेत्र में, हर जगह पर रोका जाए, इसको अंकुश लगाया जाए, जगह जगह हम लोग थाने पुलिस में जाकर अपराधों पर देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं उसकी, लेकिन कहीं पर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है इतने प्रयासों के बावजूद। तमाम शिक्षा विभाग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तमाम शिक्षा विभाग के कार्यालयों में जहाँ पर भ्रष्टाचार है वहाँ पर सीसी कैमरा नहीं लगाया जा रहा है, दिखाने के लिए बाहर लगाया जा रहा है, अधिकारी के कमरे में लगाया जा रहा है, जहाँ पर वास्तविक मतलब वो कार्य किया जा रहा है वहाँ पर सीसी कैमरा नहीं था। आप खुद भी जाकर परिलक्षित कर सकते हैं हर जगह शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कि कैमरा सीसी किस तरह से लगाया गया और किस तरह से पैसे का खेल चल रहा हर मुद्दे को लेकर। इस तरह की समस्या कौन सी पार्टी का सरकार बनाती तो इस तरह की समस्या, ये समस्या जनता को मिल के खत्म करना होगा, हमको आपको मिल के खत्म करना होगा, सरकार को इसके लिए मजबूर कर देना होगा कि जनता जो चाहे सरकार वो करे, चाहे कोई भी सरकार बने। आप अपने हमारी कॉलोनी का 500 मीटर का रोड बनवाने के लिए 10 साल में जाके जो है मैंने पैसा थोड़ा थोड़ा करके 2.5 लाख 2 लाख करके 3 बार में माननीय विधायक जी ने रविंद्र जायसवाल जी सर उतरी के उन्होंने दिया है 3 बार में 10 साल उनका, 2 बार वो विधायक बने, इस बार मंत्री भी है, 10 साल में जाके 3 बार में पैसा दिए हैं। ये कौन से मतलब उसका वो है, आप समझिए जो है एक बार में यह कार्य भी तो हो सकता था, अभी अधूरा कार्य को 10 साल में किया गया, अभी भी अधूरा है, 2 लेन अभी भी हमारा जाके देख सकते हैं, 1 और 3 अभी भी बाकी है। तो जो चीज को किया जा सकता है उसको भी धीरे धीरे किया जा रहा है। चुनाव आ गया, चुनाव आने पर हर चीजों को दर्शाया जाए, आज जो बेरोजगारी इतनी चरम पर है उसके लिए कौन दोषी है, मैं किसी को नहीं दोषी कर रहा हूँ, कौन दोषी है स्वयं सोचिए आप। जो है जब चुनाव आता है तब विज्ञापन अखबार में होने लगता है, नौकरियों का आवेदन मांगे जाने लगता है, तुरंत तुरंत होने लगता है सब कुछ। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड 2003 से रन कर रहा है, 98 का बना हुआ है, हम लोग बखूबी जानते हैं इसको, और उसके बाद इतने दिन से 2010 का 11 का 12 का और 17 तक का पद और 19 तक का लेके विज्ञापन हुआ 21 में, और आज चुनाव आते ही इतनी तेजी आ गई कि तुरंत उसको जो है वो अपॉइंटमेंट करके तुरंत ज्वाइन कराओ, तुरंत ये कर दो। भाई अभी पहले आप 4 साल से रहे, 4.5 साल से अभी ना चुनाव आया है, क्यों नहीं भर्तियां की गई, आज भी क्यों पद खाली हैं। अध्यापक आप भर्ती कर दिए स्कूल में, बाबू परिचारक का पद रिक्त है, घंटा कौन बजाएगा वहाँ पर और तनख्वाह कौन पास कराएगा बना के, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मास्टर आ गए बाकी कार्य कौन करेगा। सर 2 साल से तो मान लीजिए कोरोना पड़ा हुआ है, 4 लाख नौकरियां अब तक योगी सरकार ने दे चुकी है, इसके बारे कोरोना काल में नौकरियों के उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया था चुनाव आयोग या राष्ट्रपति को अधिसूचना ही जारी किया था कि इस समय नौकरियां नहीं होगी, आवेदन नहीं होगा, सारा कार्य ऑनलाइन हो रहा था, ऑनलाइन ही नौकरियों का आवेदन हो रहा, आज भी सारी चीजें ऑनलाइन हो रही, परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन हो रहा है, हर चीज जो है। तो उस पर ये बहाना करना ये बेमानी होगा अपने आप में कि कोरोना का बहाना हम करें। नहीं तो ऑनलाइन के कंडीशन में भी मान लीजिए जो ग्रामीण एरिया है उनके पास पठन पाठन हुआ है, आप खुद देखिए नहीं तो सर में स्कूल भले ही बंद था लेकिन ऑनलाइन पढ़ाइयां चल रही थी, बच्चों की घर में बच्चे बैठ के ऑनलाइन कर रहे थे, तो क्या नौकरी का आवेदन ऑनलाइन नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो गांव के बच्चे हैं, मान लीजिए शहर के बच्चे हैं उनके पास मोबाइल है वो ऑनलाइन कर लेंगे, फॉर्म फिलअप कर लेंगे, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं वो कैसे फिलअप करेंगे, वहाँ तो मोबाइल के चांसेस कम है ना कि उनके पास। तमाम जन सहज केंद्र और लोकवाणी केंद्र और तमाम वो खोला गया तो लॉकडाउन में तो ये सब बंद था सर, तो वो आज कैसे आवेदन कर रहे हैं आप खुद ही देखिए ना, आज क्या गाँव के बच्चे आवेदन नहीं कर रहे किसी नौकरी में, तो लॉकडाउन के समय में वो तो बंद था ना, अगर लॉकडाउन सारे जगह सब खुला हुआ था, लॉकडाउन में सर सब बंद था ना, तो सारा जन सेवा केंद्र कैसे खुले थे लॉकडाउन में, रात की जब धीमा हुआ लॉकडाउन तो उसके बाद रात का केवल कर्फ्यू चला कई महीनों तक, दिन का काम खुला हुआ था, आप पिछला उठा के देखिए आप समाचार पत्र और मीडिया चैनल द्वारा सारा खुला हुआ था, दिन में सारे कार्य हो रहे थे, रात में केवल काफी दिन तक कर्फ्यू को ले चला गया कोरोना को धीमा करने के लिए, कोरोना धीरे धीरे खत्म होता जाए, ये सब अपने आप में कहना बेईमानी है, सत्य को हम स्वीकार करें तभी समाज का वास्तविक सुधार होगा। नीचे बैठे रहिए सर, बैठे रहिए, बैठे रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी शंकर राजभर सुहेल जी, लक्ष्मी शंकर राजभर सुहेल जी, जन कल्याण सेवा समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और विशेष अपराध सूचना ब्यूरो का मैं ऑल इंडिया चीफ जनरल सेक्रेटरी हूँ, और अभी अभी हमें जो है
अंतर्राष्ट्रीय धर्मपीठ न्याय परिषद का हमें महामंत्री भारत का बनाया गया। तो आज यह सामाजिक हमारा एक संगठन है, इस संगठन के माध्यम से हम गरीब असहाय बेचारा का मदद करते हैं। सर ये बताइए कि इस बार के जो 2022 विधानसभा चुनाव है, इस समय नजदीक आ चुकी है जी, तो इस बार सरकार किसकी बनेगी? देखिए सरकार किसकी बनेगी ये तो जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन जो वर्तमान सरकार चल रही है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं जो है कि इस तरह से जितना हम कहते हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं, जितना हम आज मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार हम अपना कर रहा हूँ कि नहीं नहीं ये है वो है, तमाम बातें अपना दर्शाई जा रही है, उतना हम पटल पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं आज भी जैसे कि कुछ बातें हमारे केंद्र सरकार के द्वारा भी कहा गया कि हम नौकरी इतना 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपये देंगे, ये सब देंगे तमाम दे, लेकिन कुछ कार्य अच्छा किए हैं बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी। आज जैसे रोड वगैरह का काम बहुत ही बढ़िया हुआ है, इसमें नो डाउट, क्योंकि हम देखिए किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा एक सामाजिक संगठन हूँ, उसके माध्यम से जो अच्छा कार्य करेगी बीजेपी, अच्छा कार्य करेगी तो बीजेपी के लिए मैं बोलूँगा, अगर सपा अच्छा कार्य करेगी सपा के लिए बोलूँगा, या बसपा या जो भी अन्य कोई भी दल हो या पार्टी हो, उसमें हमें दल और पार्टी से मतलब नहीं होता है, जो अच्छा कार्य करेगी पार्टी मैं उसका हूँ, उसके लिए मैं बोलूँगा। तो आप बोल रहे हैं कि जो पार्टी अच्छा होगी मैं उसके लिए बोलूँगा? जी बिल्कुल। तो कौन सी पार्टी आपके हिसाब से बेहतर है, क्योंकि सपा ने भी राज करके गया है जी, बसपा ने भी किया, अभी योगी सरकार चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसमें कौन सा आपको बेहतर लगा? देखिए अगर जहाँ तक कंपेयर किया जाए सरकारों से, तो आज बीजेपी सरकार हमारी चल रही है, भ्रष्टाचार आज भी हमें नहीं लगता है कि पूर्णतया खत्म हो गया है, आज मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आज सबसे बड़ी समस्या ये है, आज प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, आज मतलब तमाम चीज़ों को अगर सरकारी चीज़ को हम बेच करके हम इस तरह से अपना क्या हम दिखाना चाहते हैं, आज सरकार भी अपना जरूरी है, सरकारी भी चीज़ें भी होनी चाहिए, आज जो चीज़ अब प्लेटफार्म टिकट 10 रुपये के जहाँ मिलता था आज अपना 50 रुपये अपना हो गया, अपना प्राइवेट वाले अपने अपने हिसाब से वो व्यवस्था करेंगे कि नहीं जो 50 नहीं 100 रुपये, क्योंकि विकल्प एक ही रहेगा, तो इस तरह से विकल्प खुला रहता है तो सबको अपने अपने जगह पे जाने के लिए सहूलियत मिलती है, नहीं ये नहीं तो वो नहीं, अगर एक ही आदमी के पास हम जो है कि पूरा सर्वे सर्वा हम दे देंगे तो एक गरीब आदमी और पिसा जाएगा। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि लोगों को देखते हुए गरीब असहाय बेसहारा, क्योंकि जो पूंजीपति है जो तो वो तो और पैसे वाले बन ही रहे, लेकिन गरीब आदमी और गरीब बनते जा रहा है, तो मैं सरकार को भी यही गुजारिश करूँगा कि हम सबको लेकर के चले, सबको न्याय मिले, भ्रष्टाचार कम हो, और कहीं भी तकलीफ हो समस्या हो उसमें बढ़ चढ़ करके हमारे सरकारी विभाग के कर्मचारी हो ऑफिसर हो अधिकारी हो मिल करके सबको एक न्याय दिला करके साथ में लेकर के चले। देखिए कुछ मुद्दों पे जहाँ पर वो मुझे कुछ जब हाईलाइट हो जाता है तमाम बलात्कार के केस मामले पर अभी जब अपना होने के बाद में जब उसके माँ बाप गिरते हैं जाकर के थाने पे कि नहीं हमारे इस तरह से मीडिया के नहीं नहीं उनको भगा दिया जाता है और नहीं तो सेटल करने की कोशिश की जाती है, अगर उनको न्याय मिलने की जो बात आप कर रहे हैं अगर वही चीज़ पहले ही FIR दर्ज करा करके उस तरह से अपना काम करें तो और बेहतर होगा। तो न्याय जहाँ पर जब हाईलाइट मामला हो जाता है उस पर तब जा करके सरकार कार्य कर रही है, आप अपना इस तरह से व्यवस्था, क्योंकि हम जो है कि आज सरकार के पास है ना व्यवस्था, तो आपके पास है, हम अखिलेश सरकार या बसपा सरकार या फलाने सरकार के लिए नहीं, क्योंकि हम पूछेंगे तो आपसे ही पूछेंगे ना, और आपकी जवाबदेही बनती है कि उसको आप व्यवस्थित ढंग से उसको लेकर के चलाएं। शहर उत्तरी विधानसभा में आने के बाद पता चला है कि यहाँ पर अभी भी भाजपा के लोगों का वर्चस्व जबरदस्त है, यहाँ पे बाकी लोगों ने भी बाकी पार्टियों का सपोर्ट करने वाले लोग हर मुद्दे पर भाजपा को घेरने का कार्य किए हैं, जबकि भाजपा के सपोर्टर यहाँ पे बताएं कि भाजपा हर तरह से परफेक्ट पार्टी है और यह इस बार चुनाव भी जीतेगी, अपनी सरकार भी बनाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।